नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की तैयारियों में जुटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए यूपी से एक अच्छी खबर आई है। यूपी के प्रमुख सियासी दल समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को समर्थन देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी इस समर्थन के बदले कोई सीट बंटवारे जैसी मांग भी नहीं रखेगी, क्योंकि पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। बिहार में मेन मुकाबला नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के साथ ही जीतन राम मांझी की हम शामिल है। वहीं महागठबंधन में लालू यादव की आरजेडी, कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। चुनावी सरगर्मियों के चलते महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और दूसरी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन का ऐलान आरजेडी और महागठबंधन के घटक दलों के लिए भी अच्छी खबर है। समाजवादी पार्टी भले ही बिहार में बहुत प्रभावी वाली पार्टी ना हो, लेकिन पार्टी फिर भी कोर वोट के जरिए पार्टी महागठबंधन को फायदा जरूर पहुंचा सकती है। यहां ये बात याद रखनी होगी कि यही समाजवादी पार्टी है जिसने 2015 के चुनाव में महागठबंधन को झटका दे दिया था। 2015 में एसपी पहले महागठबंधन में शामिल हुई, लेकिन चुनाव के पहले पार्टी ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया था। हालांकि उस बार की एसपी में अंतर यह है कि तब पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, जबकि अब पार्टी की बागडोर उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथों में है। इस बार अखिलेश यादव ने पहले ही पार्टी को किसी भी गठबंधन का हिस्सा न बनाते हुए आरजेडी को समर्थन का ऐलान कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।